अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो प्लांटेशन हमारी जो कंटिन्यू थी, आज हमने ये किया है कि जो खाद बनी बनाई आप लोग यूज़ करते हैं, तो अभी ये हम मिक्स कर रहे हैं। ला के भी एक बाल्टी और भी रखी है, तो इसको सब में मिक्स करेंगे। उसके बाद फिर हमने क्या क्या इसमें लगाना है वो करेंगे। अभी हम इसे मिक्सअप कर रहे हैं, ये सारी मिट्टी के साथ हमें मिक्स करना है। बहुत मेहनत का काम है, हमें एक हफ्ता हो गया ये स्टार्ट किए हुए। अभी तो सुबह सुबह का टाइम है और आप लोगों को पता है शहरों में कितने छोटे छोटे घर होते हैं। अभी यहाँ पे तो इतने बड़े बड़े घर होते हैं, यहाँ पे सफाई करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन इतना बुरा नहीं लगता। इंजॉयमेंट है। आप दिखाएं जरा वो पीछे से कितना बड़ा, और इसके आगे भी बहुत ज़्यादा। तो ये उसके सफाई हो रही है और वहाँ पे हमारी प्लांटेशन अभी जारी है, उसको अभी बराबर हमें करना है। बहुत मेहनत का काम है। तो आंटी अकेली करती हैं, मैंने कहा कि आंटी चले आपकी हेल्प भी हो जाएगी। ये तो बस सफाई करके हम अब नाश्ता करेंगे और उसके बाद देखते हैं आज की क्या एक्टिविटी है। जी तो देख सकते हैं आप लोग, हमने ज़मीन हमवार किया इस तरह तोड़ तोड़ के, जो हमने खाद इसमें डाली थी, और ये हाथ से ही किया है। अब यहाँ कॉर्नर पे हम अदरक लगाएंगे। ये अदरक का टुकड़ा मैंने लिया है, ये हम यहाँ पे दबा देंगे बस, क्योंकि अदरक की जड़ें होती हैं, और इसको रख के बस हल्का सा ही हम रख देंगे। इसको हम मार कर दिए। और अभी हमने धनिया लगाना है इस पूरी जगह पे। जी तो ये बिल्कुल लेवल हमने कर दी है। इस जगह पे हम लगा रहे हैं धनिया, और धनिया कैसे लगता है आपको बताती हूँ। वैसे जो धनिया उगा हुआ होता है उससे भी कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने जगह बना दी है। ये धनिया हम लगाएंगे, जी तो अब ये लेवल करने के बाद यहाँ पे मैं धनिया लगा दूंगी, और इसको जस्ट ऐसे ही जो है इसमें फेंकना है। ये देखें, और ये ऐसे ही उगेगा इंशाल्लाह। अगर मेरे होते हुए ये निकल आया तो वो भी आप लोगों को दिखाऊंगी। तो धनिया और अदरक तो हमने लगा दिया है, कॉर्नर पे भी हमने लगाया, बाकी भी साथ साथ हमने बाकी वेजिटेबल्स जो लगानी है वो भी लगाते रहेंगे। जी तो धनिया डालने के बाद उसको थोड़ा सा मिक्स ऊपर नीचे करना पड़ता है, ताकि बीज अच्छी तरह मिट्टी में मिक्स हो जाए। तो ये कि मेरे साथ चच्ची भी लगी हुई हैं, उनकी गाइडेंस के बगैर तो मैं नहीं कर सकती थी। मेरा तो कोई एक्सपीरियंस नहीं है, बट बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है और बहुत खुशी हो रही है। ये देख सकते हैं आप लोग, और ये ज़मीन हमने खुद तैयार की है, खुद बनाई है, खाद वगैरह डाल के सब कुछ। और थोड़ा पुदीना वो आगे आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, वो अभी लगाया हुआ है आंटी ने, वो भी बस लग रहा है, और कुछ दिनों बाद वो भी हर जगह फैल जाएगा। काफ़ी ज़्यादा ये फैल जाता है। उम्मीद है आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। एक हफ्ता हो गया हमें ये काम करते हुए, और अभी हमने स्टार्ट किया है बीज लगाना। तो बहुत मेहनत का काम है,
अगर आप लोगों ने किया हो तो आप लोगों को भी अंदाज़ा होगा। तो इंशाल्लाह दोबारा आती हूँ, और जब हम दोबारा कोई चीज़ लगाएंगे तो वो भी आपको दिखाऊंगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। लेकिन जाने से पहले मेरी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो दोबारा आती हूँ, अल्लाह हाफिज़।